नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे कटहल के बारे में। कटहल, जिसको लेकर आम लोगों के बीच संशय बना रहता है कि इसे फल कहें या सब्जी, चाहे इसे जो भी कहें, पर इससे होने वाले आम फायदों को हम दरकिनार नहीं कर सकते। कटहल में और भी कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, जिंक आदि, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि कटहल के इस्तेमाल से बालों का झड़ना रोका जा सकता है। इसके लिए करना बस इतना है कि कटहल के बीज का पेस्ट बना लें और इसे अपने स्कैल्प पर लगा लें। हफ्ते में दो बार ऐसा करने से फायदा दिखने लगता है और साथ ही साथ नए बाल भी उगने लगते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर हमारी त्वचा पर ही पड़ता है और कटहल हमारी त्वचा की देखभाल करता है। कटहल के बीजों का पाउडर बना लें और इसे पानी में मिलाकर पीने से ना सिर्फ त्वचा खिल उठेगी, बल्कि ये कैंसर और लीवर से संबंधित बीमारियों में भी काफी लाभकारी है। पाचन और कब्ज की समस्या आजकल बहुत ही आम हो गई है और इस परेशानी को दूर करने में कटहल रामबाण साबित होता है। कटहल की हरी ताजी पत्तियों को धोकर सुखा लें, उन पत्तियों को पीसकर उसका चूर्ण बना लें और फिर उस चूर्ण के सेवन से पाचन एवं कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। चेहरे पर झुर्रियां जब आने लगती है तो चेहरा काफी खराब दिखने लगता है, ऐसे में कटहल का इस्तेमाल कर इस परेशानी से बचा जा सकता है। कटहल के बीज का पेस्ट बनाकर उसमें एक चम्मच ठंडा दूध मिलाकर हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं और फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करने से झुर्रियों से निजात मिल सकती है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।